हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबका? सो फाइनली फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड और डे है गुड़ी पड़वा। सो हम सब मुंबईकर काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे कब हमको मुंबई की दूसरी मेट्रो लाइन मिलेगी। द गुड न्यूज़ ये है कि हम मुंबईकरों को दो मेट्रो लाइन अब मिलने वाली है और दिन है गुड़ी पड़वा। सो इस दिन मुंबई की दो मेट्रो लाइन, मतलब मेट्रो 7 जो कि दहिसर से अंधेरी की तरफ जाती है, लेकिन उसका फेज़ 1 गोरेगांव तक आरे तक उसका इनॉग्रेशन होने वाला है 2 अप्रैल गुड़ी पड़वा के दिन। और दूसरी लाइन है मेट्रो 2A जिसका भी फेज़ 1 है, जो कि दहिसर से शुरू होते हुए वेस्ट में दानुकरवाड़ी कांदिवली तक जाएगी। सो इसका इनॉग्रेशन हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे जी करेंगे 2 अप्रैल गुड़ी पड़वा के दिन। सो ये काफ़ी राहत भरी खबर है हम मुंबईकरों के लिए। तो इससे हम होप करते हैं कि मुंबई के लोकल ट्रेन्स और इस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक कुछ कम हो जाएगी, लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिल जाएगी। और गर्मी तो आप देख ही रहे हो, अभी अप्रैल मंथ स्टार्ट होने वाला है तो गर्मी भी बढ़ गई है, तो एसी ट्रेन एसी मेट्रो कोच में सफ़र करने का मौका मिलेगा। हालांकि फेज़ 1 कुछ पार्ट में ही चालू कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी खबर है। तो आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने एक प्रेडिक्शन किया था, प्रेडिक्शन या एजम्पशंस जो भी बोले आप, कि होपफुली गुड़ी पड़वा के दिन मेट्रो चालू हो जाएगी। और कल MMRDA ने ट्वीट किया है कि 2 अप्रैल को उद्धव ठाकरे जी इन दो लाइनों का इनॉग्रेशन करेंगे। मैंने मेरा जो लास्ट वीडियो था उसका एक लिंक ऊपर दे दिया है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है अभी हमारे लिए, मुंबईकरों के लिए। सो दोस्तों, फेज़ 1 में कौन से स्टेशन आएंगे मेट्रो 7 और मेट्रो 2A के, मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला था, मैं यहाँ पर भी वापस पोस्ट कर रहा हूँ, तो उसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेशन आने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ साइलेंट फीचर्स बताए थे इन दोनों मेट्रो के, तो उसमें कुछ और एडिशन करना चाहूँगा। तो MMRDA ने बताया है कि अभी तक टोटल 10 रेक्स, मतलब 10 ट्रेन्स आ गई है 6 कोचेस की, तो इन 10 ट्रेन्स में से 8 ऑपरेशनल होगी और 2 स्टैंडबाय मोड में रहेगी, तो कभी कोई ख़राब हो जाए तो उस ट्रेन का यूज़ किया जा सके। और ये सर्विस जो होगी ये करीब मॉर्निंग में 5:30 से रात के 11:30 तक रहेगी, एवरी 10 मिनट के इंटरवल के ऊपर। और इसके फेयर क्या होंगे वो मैंने लास्ट वीडियो में वर्बली बताया था, बट अभी MMRDA ने डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा इमेज होगी उसमें आप देख सकते हैं। और एक बात ये है कि ये जो ट्रेन्स होंगी मेट्रो ट्रेन्स वो पूरी तरह से ड्राइवरलेस होगी, तो आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन्स होगी पूरी मुंबईकरों को। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद इंडिया में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन होगी ये। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी सौगात मिल रही है हम मुंबईकरों को। तो ये आज का अपडेट था, और इसके बाद जब इनॉग्रेशन होगा तो उसकी भी मैं एक वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, और अगर चांस मिला तो मैं ट्रेन के अंदर, मेट्रो ट्रेन के अंदर सफ़र करके उसका भी एक वीडियो मैं आपको बता दूंगा, शायद स्टेशन के अंदर का भी। तो आज के लिए ही इतना ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी ऐसी खबरें लेते आऊँगा। सो थैंक यू, गुड बाय।